मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिये मानस मोरे। आपने अक्सर देखा होगा कि दफ्तर में किसी की भी मेज पर एक कैलेंडर रखा होता है, या डायरियां आपको मिलती होंगी। उसमें क्या होता है, डेट वाइज कोई ना कोई एक सुविचार लगा होता है, डेस्क कैलेंडर होता है, और उस पर लिखा होगा जैसे 1 तारीख, तो उस पर सिर्फ 1 लिखा होगा और नीचे 1 कोटेशन होगी, कोई भी अच्छा विचार, सुविचार। फिर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ। अब जानते हैं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये परिकल्पना कहाँ से आई। ये तुलसीदास जी के पास से आई है। हमारा जितना भी प्राचीन रूप है, वह सारा मॉडिफाई होकर मॉडर्न एज में आया है। उसको मॉडिफाई किया नए ढंग से पश्चिम के लोगों ने, और उसे हमें परोस दिया, और हम कहने लगे कि अरे वाह, कितने महान लोग हैं ये दिव्य लोग, देवता लोग। अंग्रेजों को भारत में देवता माना जाता था, कि भगवान है ये, कि हम तो कीड़े मकोड़े और पशु हैं, हमें तो जीना ही इन्होंने सिखाया, हमें जीना कहाँ आता था। ऐसी हीन भावना हम भारतीयों में अंग्रेजों ने भर दी, और वे सफल भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत कुशल वे राजनेता हैं, बहुत कुशल प्रशासक हैं। ऐसे ही थोड़ी ना पूरी दुनिया पे उन्होंने राज कर लिया। ये भारत जैसा अपूर्व देश, इसके रक्त में भी वो ऐसी हीन भावना भर गए, ऐसी हीन भावना। उन्होंने कहा एक ही काम करना है, भारतीयों का रक्त दूषित कर दो, बस कुछ नहीं करना। उनका जो चिंतन था अंग्रेजों का, वह यह था कि इन भारतीयों को इस बात का एहसास करा दो कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारे देवी देवता सब निकृष्ट हैं, हीन हैं, कुछ नहीं है, हम हैं जो भी कुछ हैं, उत्कृष्ट हम हैं, सर्वोत्कृष्ट हम हैं, सर्वोच्च हम हैं। और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये बात भारतीयों के रक्त में घोल दी। बमुश्किल कोई एक आध भारतीय ऐसा बचा होगा जिसका रक्त शुद्ध है, अन्यथा तो सबके रक्त को उन्होंने ऐसा दूषित कर दिया कि अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति उनका सिरमौर बन गई है, उनके माथे का मुकुट बन गई है। आज मैं यही बात बता रहा हूँ, ये जो कैलेंडर वाली बात आज सुनकर आपको पता लगेगा कि इसके तार कहाँ जाकर जुड़े हैं। ऐसा कैलेंडर तुलसीदास जी ने प्राचीन काल में ही बना दिया था, प्राचीन काल में। आज उसी कैलेंडर के माध्यम से, उसी पंचांग के माध्यम से, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं, उसी के माध्यम से तुलसीदास जी बता रहे हैं कि पहली तारीख को क्या करना चाहिए, दूसरी को क्या करना चाहिए, और तीसरी तारीख को क्या करना चाहिए। तो ये जो डेस्क कैलेंडर तुलसीदास जी का बनाया हुआ है ना विनय पत्रिका में, ये बाकी सब इसकी नकलें हैं जो अब तैयार होती हैं। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी का कैसा कैलेंडर, और ये कैलेंडर ऐसा है कि जो वास्तव में वैराग्य और भक्ति की ओर ले जाता है। श्री हरि गुरु पद कमल, भज हूं मन तज अभिमान। अभी कैलेंडर शुरू नहीं कर रहे हैं तारीखों वाला, अभी तो सबसे पहले स्तुति, यानी अभी 1 तारीख नहीं आई है, 1 तारीख से पहले जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर एक स्तुति लगी है, ऐसा समझिए। और किसकी है, गुरु की स्तुति। सबसे पहले क्या कहते हैं, श्री हरि गुरु पद कमल, भज हूँ मन तज अभिमान। कि ये जो गुरु है ना, ये साक्षात श्री हरि ही हैं, ब्रह्म ही हैं। अब परमात्मा तो साक्षात नहीं आते ना, तो कैसे आएंगे वो, कोई ना कोई रूप धर कर आते हैं, क्योंकि सारे रूप उनके हैं। तो कहते हैं जो गुरु के चरण कमल है ना, ये श्री हरि का साक्षात रूप है, साक्षात। और भज हूँ मन तज अभिमान, ए मेरे मन, ये जो गुरु के चरण कमलों को जो तू भज रहा है ना, इनका जो पूजन कर रहा है,
अभिमान के साथ मत कर, तज अभिमान, अभिमान रहित होकर। मैंने देखा है अनेक शिष्य गुरुओं पर अपना एक अधिकार जमा कर रखते हैं, एक अहंकार होता है उन्हें कि हम इस गुरु के शिष्य हैं, जैसे कि नेताओं के चारों तरफ घूमने वाले चेले चपाटे किसी भी अन्य व्यक्ति को नेता के पास भटकने नहीं देते, फटकने नहीं देते कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और अन्य इस राजपुरुष के पास आ जाए और यह राजपुरुष उससे प्रभावित हो जाए तो हमारा तो महत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो पुरजोर कोशिश होती है सारे चेले चपाटों की कि जिस नेता को वो घेरे हुए हैं उसके पास कोई सदपुरुष ना आने पाए, कोई सदपुरुष ना आने पाए। तो यही बात तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं उन शिष्यों को जो गुरु को भजते तो हैं, गुरु का पूजन तो करते हैं, लेकिन अभिमान के साथ, अभिमान के साथ। अरे गुरुजी सिर्फ हमारे घर आकर ठहरते हैं और किसी के घर नहीं ठहरते, गुरुजी सिर्फ हमें फ़ोन करते हैं और किसी को फ़ोन नहीं करते, और गुरुजी ने जो कपड़ा पहना हुआ है ना ये हमारा दिया पहना हुआ है, हम देते हैं, सिर्फ हमारा दिया कपड़ा ही गुरुजी पहनते हैं, और जो चप्पल गुरुजी लटकाए हुए हैं वो भी हम दिए हैं गुरुजी को, और जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना ये भी हमने बनवाई थी। तो गुरु का भजन, गुरु का पूजन, तुलसीदास जी कह रहे हैं तज अभिमान, अभिमान त्याग कर इन गुरु के चरण कमलों का पूजन कर। तो कौन होता है गुरु को कुछ देने वाला, यह तो उनकी अनुकंपा है कि वो तेरा दिया ले लेते हैं, तुझे धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं, ये तो उनकी कृपा है। तो तू त्याग दे इस अभिमान को और अभिमान त्याग कर गुरु के चरण कमलों की सेवा कर, क्योंकि यही चरण कमल श्री हरि का साक्षात रूप है। जेहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान, जेहि सेव्य, और जिन गुरु के चरण कमलों की पूजा करने के बाद पाई हैं हरि सुख निधान भगवान, वे जो सुख के निधान हैं, भंडार हैं भगवान, जिनको पाने के लिए तो इतना छटपटा रहा है, मारा मारा फिर रहा है कि कहीं से मिल जाएं, तो वे तभी तुझे मिल सकते हैं जब गुरु के चरण कमलों को तू अभिमान को त्याग कर पूजेगा, अभिमान सहित नहीं, तब मिलेंगे वे सुख के निधान श्री हरि, उससे पहले तुम मिलने वाले नहीं। तो ये धारणा तो सबसे पहले बैठा लीजिए, सबसे पहले, उसके बाद दूसरी बातें होंगी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि यही अटकाव है सबसे बड़ा, यही अटकाव। अनेक लोग व्हाट्सएप करते हैं मुझे, स्वाभाविक है, सहज स्वाभाविक है, करते ही हैं, सभी को करते हैं अलग अलग जगह पर, तो मुझे कहते हैं कि गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन कीजिए, उनकी भावनाएं स्वयं गुरुदेव बना लेते हैं, मैं किसी का गुरुदेव नहीं हूँ, अपनी भावना से कोई बना लेता है तो उसमें कोई नहीं, अपना भाव है, जाकी रही भावना जैसे, तो फिर मैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ, फिर वो कहते हैं नहीं हम नहीं, हम तो ऐसे चलना चाहते हैं। तो भैया रे, जब तुम्हें चलना ही अपने मन से है, सुननी ही अपने मन की है, करना ही अपने मन का है, तब मुझसे काहे के लिए पूछते हो, काहे के लिए। तो ये जो मन है ना, ये कहता है नहीं, जैसे तूने कहा गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए, तो गुरुदेव ने जो तेरा मार्गदर्शन किया है ना, तुझे ऐसे नहीं चलना, तुझे तो देख ऐसे चलना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो वो पूछने वाला फिर अपने मन के हिसाब से चलता है कि ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे हिसाब से ही चलूँगा। तो श्री हरि बहुत पीछे रह जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। तज अभिमान, ये मन की सुनना भी एक अभिमान है। अब पहली तिथि आती है, पहली तिथि आप सोच रहे होंगे 1 जनवरी आ गई, आहा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू, दूसरा हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल रहा पलट के, वो कहता सेम टू यू, इतना भी झंझट कौन करे किसी को कहे। तो ये हैप्पी न्यू ईयर का जो
सुमधुर गायन चलता है प्राणों से, आत्मा से, क्योंकि नववर्ष तो एक ही जानते हैं लोग, 1 जनवरी, चैत्र शुक्ल एक वर्ष प्रतिपदा, उसे तो कोई नहीं जानता। तुलसीदास जी उसकी बात कर रहे हैं, भारतीय नववर्ष की, हिंदू पंचांग की, जो प्रथम नवरात्र से आरंभ होता है, चैत्र शुक्ल एक। तो कहते हैं कि पहला दिन प्रतिपदा कहते हैं उसे, परिवा प्रथम कहते हैं, जो प्रतिपदा है, जो पक्ष का पहला दिन है, उसके डेस्क कैलेंडर पर क्या लिखा हुआ है, एक ही शब्द लिखा हुआ है, प्रेम। तुलसीदास जी, सिर्फ प्रेम। जब तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम, तब कोई नहीं समझता। जब कोई अंग्रेजी में उसे बोलता है कि लव इज गॉड, तब सभी उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, यस दिस इज करेक्ट, परफेक्ट, एब्सोल्यूटली राइट, गॉड, लव इज गॉड, लव इज गॉड, लव इज गॉड। और लव इज गॉड कह देते हैं वो, जिस लव की बात करते हैं वो सतही प्रेम की बात कर देख रहे और कर रहे होते हैं। जैसे भी साधारण मनुष्य कहता है लव इज गॉड, तो लव में वो बस एक साधारण सांसारिक प्रेम देख रहा होता है, साधारण, यहां वह प्रेम नहीं देख रहे। परिवा प्रथम प्रेम बिन राम मिलन अति दूर, कहते हैं प्रतिपदा का पहला दिन, पहली तारीख, और उस पर मैंने लिख दिया प्रेम, और तुलसीदास जी कह रहे हैं एक बात जान लो, इस प्रेम के बिना राम जी बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, प्रेम के बिना। श्री गुरु गोविंद साहिब जी फरमाते हैं, साच कहूं सुन लीजो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, कहना पड़ रहा है उनको, देखो कि तुम्हें कहीं शक पैदा ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य का जो मन है ना, बहुत जल्दी संदेहग्रस्त हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि साच कहूं सुन लीजो सब है, सभी सुन लो, मैं सच कह रहा हूं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिसने प्रेम किया है ना, केवल वही प्रभु को पा सकता है और कोई नहीं पा सकता। अब प्रेम किया है, एक प्रेम क्या है इसको समझ लीजिए, ये भी समझाऊंगा, बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि पहली तारीख है भाई, प्रथम तिथि है, पहली बात नहीं समझे तो फिर आगे कैसे समझिएगा। पहले इसको पूरा करते हैं, परिवा प्रथम प्रेम बिन राम मिलन अति दूर, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूर। कहते हैं यद्यपि राम तेरे बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं, और इतने निकट हैं कि तेरे हृदय में ही संपूर्ण रूप से विराजमान है, इतने निकट हैं, हृदय में ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुझसे बहुत दूर हैं। क्यों? बिन प्रेम, तेरे हृदय में प्रेम नहीं है, प्रेम ना होने के कारण वे जागते ही नहीं, क्योंकि वे तो जागते प्रेम से हैं, प्रेम तुझ में है ही नहीं। अब प्रेम क्या है ये समझ लो, सांसारिक प्रेम तो सभी जानते हैं, सांसारिक प्रेम, स्त्री पुरुष का आकर्षण, पिता पुत्र का आकर्षण, परिवार का आकर्षण, संबंधियों बंधु बांधवों का आकर्षण, ये भी प्रेम के संबंध हैं, सब प्रेम के संबंध हैं। लेकिन इस प्रेम के संबंध को हम लौकिक प्रेम कहते हैं, सांसारिक प्रेम। प्रेम की एक उच्चतम अवस्था है जिसे कहते हैं अलौकिक प्रेम, जो इस धरती का नहीं होता, अलौकिक। और वह अलौकिक प्रेम क्या है उसे समझ लीजिए। प्रेम को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझाऊंगा, क्योंकि मुझे एक सूत्र हाथ लग गया है समझाने का, और उस सूत्र से प्रेम को बहुत भली भांति समझाया जा सकता है। तो क्या है वह सूत्र? आपके हृदय में घृणा का ना होना ही प्रेम है। रात को कैसे समझाया जाए उदाहरण के लिए, या दिन को कैसे समझाया जाए कि दिन क्या है, कि अंधेरे का ना होना ही दिन है। जब अंधकार ना हो तो इसका मतलब है दिन है, इसे दिन की परिभाषा कहेंगे।
एक अलग तरह से परिभाषा। एक तो यह भी कहा जा सकता है कि जब सूर्य का उदय होता है तो दिन होता है, लेकिन इससे भी खूबसूरत परिभाषा एक और है कि जब अंधकार समाप्त हो जाता है वह दिन है। ऐसे ही जब भीतर से घृणा समाप्त हो जाती है तो जो बचता है वह प्रेम है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये प्रकार के अंधकार हृदय से चले गए तो जो बचा वह प्रेम का प्रकाश हुआ। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझिए। मेरे एक मित्र बहुत ही सरल और ईमानदार, बेईमानी का एक पैसा नहीं कमाते। उन्होंने सोचा कि वे एक घर बनाए, बहुत समय तक किराए के घर पर रहे, थोड़ा कुछ जोड़ जाड़ लिया तो मन ने बड़े डरते डरते सोचा कि एक घर बना लूँ। उन्होंने एक बिल्डर से संपर्क किया। बिल्डर ने कहा ठीक है, एक फ्लोर मैं तुम्हें बना दूँ, दे दूँगा, मैं बना रहा हूँ। बिल्डर से उन्होंने बात कर ली, सरल थे, और बिल्डर ने उनको छल लिया, उनके साथ छल किया, करना ही था, स्वाभाविक था, दोनों का ही स्वभाव था। बिल्डर का भी स्वभाव है कि वह शिकार खोजता फिरता है, और सरल व्यक्ति वे भी फंसते जाते हैं। तो उसने उनसे कहा कि आप मुझे पैसे कब देंगे? तो उन्होंने कहा भैया जब तुम कहोगे तब दे दूंगा, मेरे पास तो सारे पैसे तैयार हैं। तो बिल्डर ने कहा फिर मुझे सारे दे दो। उस सरल मित्र, उन्होंने सारे पैसे दे दिए। अब बाद में उनको सबने समझाया कि ये आपने क्या किया, सारे पैसे कोई देता है एक साथ? पर उन्होंने दे दिए। अब उसके बाद तो बिल्डर ने उनको जो रुलाया, समझ सकते हैं आप, सबसे घटिया काम करके दिया उनके फ्लोर का, सबसे देर से करके दिया, और बहुत सारा काम तो छोड़ कर ही चला गया, किया ही नहीं। वे मुझे बोले कि मैं जब भी अपने उस घर को देखता हूँ और बहुत खून के आंसू रोता हूँ और इतनी बददुआएं देता हूँ उस बिल्डर को, इतनी बददुआएं। एक दिन तो मैंने कह भी दिया उस बिल्डर को कि मैं तुझे दिन रात उठते बैठते पानी पी पी कर बददुआएं देता हूँ। तो बिल्डर बोला हमें इन बददुआओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इन बददुआओं से डरने लगे तो फिर कमा लिया हमने पैसा, और ना ही हमारा कुछ बिगाड़ती हैं। आप देखो ये नशा अहंकार का, मद माया, कुछ देखने समझने ही नहीं देती। मेरे पास बैठे थे, बहुत दुखी थे। मैंने उनसे कहा अच्छा एक बात सुन, तुम उस बिल्डर से प्रेम नहीं कर सकते क्या? मेरी तरफ देखने लगे, बोले आप क्या कह रहे हैं, ऐसे पापी से मैं प्रेम करूं जिसने मेरे गाढ़े की कमाई, खून पसीने की कमाई लूट डाली और मुझे आधा अधूरा घर दिया? मैंने कहा तभी तो मैं कह रहा हूं, आप जो सुबह शाम बद्दुआ देते हैं उसे, आप बताइए उससे आप स्वयं को कितना जलाते हैं, सोचिए जरा। वे बोले हाँ जलता तो मैं खूब हूं। तो मैंने कहा फिर अपने ही घर के अंदर, यानी अपने ही हृदय के अंदर, घर माने हृदय, आपने खूब सारे अपशब्द इकट्ठे कर लिए, बददुआएं इकट्ठी कर ली। आपका वह हृदय जहां आप कहते हैं राम जी रहते हैं, वहां आपने बददुआओं को लाकर इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा देखिए ये मन आपको भरमा रहा है, मन को समझाना होता है। अब मैं आपको विधि बताता हूं समझाने की मन को। सबसे पहले तो उस बिल्डर को आप चाय पर बुलाइए, घर पर बड़ा आदर सत्कार कीजिए और हृदय से प्रेम जताइए, बाहर बाहर से नहीं, हृदय से। अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए उसने आपसे कुछ लाख रुपए ठग लिए या कुछ लाख रुपए का काम नहीं किया, छल किया, अगर आप बीमार हो जाते और अस्पतालों में लाखों रुपए लगते तो तब क्या आप अस्पताल को या डॉक्टर को बददुआएं देते कि मेरे लाखों रुपए छीन लिए? वो बोले नहीं। मैंने कहा यही लाखों रुपए आपके सड़क पर गिर जाते, असावधानी के कारण खो जाते, तब क्या करते आप? बोले बस बैठे अपना सिर पीटते। मैंने कहा ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपसे कुछ रुपए लेने थे, उसने आपको बीमार नहीं किया, उसने आपके घर डाका नहीं डलवाया, चोर लुटेरे नहीं भेजे, उन्होंने आपको घायल नहीं किया। परमात्मा ने कहा भाई इससे इतना पैसा लेना है, ये इसका है ही नहीं,
तो चलो इस माध्यम से ले लेते हैं। मैंने कहा कितने सरल तरीके से परमात्मा ने तुमसे पैसा लिया, कोई तुम्हें दुख तकलीफ नहीं हुई, घर भी तुम्हें मिल गया, तुमने बाद में ठीक ठाक भी करा लिया अपना पैसा लगा कर उसे, पर देखो ना कितने अच्छे ढंग से परमात्मा ने तुमसे पैसा लिया। और ये संयोग की बात है, कोइंसिडेंस, मैं बता रहा हूं संयोग। कहते ना कई बार तीर निशाने पर लग जाता है, मेरी ये बात उनके निशाने पर लग गई और एकदम जैसे प्रकाश हो गया वो भीतर हृदय के, और वे बोले कि आपके इतना कहते ही मेरे भीतर से उस बिल्डर के मन से सारी बद्दुआएं चली गई हैं, सारी नफरत, सारा द्वेष, सारी घृणा, सारा पाप, सब कुछ चला गया। कहाँ गया वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और सच में उस बिल्डर पर तो बहुत प्रेम आ रहा है कि वो तो परमात्मा का ऐसा दूत बनकर आया था कि जिसने बिना कोई नुकसान पहुंचाए मुझसे वह ले लिया जो मेरा नहीं था। मैंने कहा फिर धन्यवाद तुम, और उन्होंने वही किया, उस बिल्डर को घर बुलाया चाय पर, उनसे वास्तव में क्षमा मांगी कि मैं आपको जो इतने दिन बद्दुआएं देता रहा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी के लिए बुरा सोचूं। ये असली क्षमा पर्व है, ये असली क्षमा पर्व। जो बड़े से बड़े महान लोग क्षमा पर्व मनाने वाले हैं, मेज कुर्सियां रखकर, बैनर लगाकर, पोस्टरबाजी करके, ये सबसे महान क्षमा पर्व है, सबसे महान क्षमा पर्व। और उन्होंने हृदय से उससे क्षमा मांगी और उनका मन निर्मल हो गया, मन में प्रेम आ गया, इसे प्रेम कहते हैं। अब जब भी वह बिल्डर उन्हें मिलता है वो बड़े आदर पूर्वक उसे नमस्कार करते हैं, उसे बार बार आग्रह करते हैं कि वह घर आए चाय पिए, और वह बिल्डर नजरें नहीं मिला पाता उनसे, नजरें नहीं मिला पाता। इसे प्रेम कहते हैं कि जिसके प्रति आपके मन में घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, उससे भी आत्मीयता से मिले, उससे भी प्रभु से प्रार्थना करें, उसके लिए प्रभु से कि हे प्रभु इसका भला कर, उसके लिए भी सबका भला करो भगवान, सबके पूर्ण होवे काम, यही कहो। बाकी तो राम जी की इच्छा है ना, वो करे ना करे, पर हम तो यही कहें उनसे कि हे राम इसका भी भला कर, उसका भी भला कर, सबका भला कर। तो सबके भले की भावना भीतर रखें। राम जी बड़े सयाने हैं, सब पता है उन्हें किसका भला करना है किसका नहीं, सब फैसले भी कर लेते हैं, तो उन पर छोड़ना है। राम जी ये ना कहें कि तुझे क्या अधिकार किसी को बद्दुआएं देने का, नफरत करने का। तो ये जो पहली तिथि पर प्रेम लिखा है ना, इसको समझ लीजिए। परिवार में किसी के पास अधिक है, उससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जल जल के मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राम नहीं जागेंगे भीतर, राम नहीं जागेंगे। सुबह मंदिर में घंटी भी बजाते हैं, थाली में प्रसाद भी लाते हैं, घर के एक एक सदस्य को प्रसाद भी पकड़ाते हैं, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, तिलक तिलक तिलक, और थोड़ी देर में देखते हैं कि परिवार का कोई भाई है, चाचा है, ताऊ है, देवर है, जेठ है, उसकी चमचमाती कार, बढ़िया कोठी साथ में, आग से जल जल मरते हैं, आग से, हाथ में पूजा की थाली है और साथ में गालियां भी शुरू हो जाती हैं कि इनका नाश करे, सब इनका बर्बाद हो जाए। क्या पूजा हुई, क्या पूजा हुई? इसीलिए कहते हैं कि प्रेम, ये है प्रेम का तत्व, कि जिसे आप नापसंद करते हैं, जिसे आप नापसंद करते हैं, और कौन नापसंद करता है? मन। उस मन को डांटा जाए कि तुझे शर्म नहीं आती। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, हैं? शर्म नहीं आती किसी से नफरत करता है? सबसे मिलिए धाए, प्रेम पूर्वक मिलना है, नफरत के साथ नहीं मिलना। ठीक है मतभेद होते हैं, अपनी जगह पर है मतभेद,
अपनी जगह पर, लेकिन नफरत वह नहीं होनी चाहिए, वह नहीं। अब दूसरी तिथि पर चलते हैं। पहली तिथि पर इतनी देर ठहरना अत्यावश्यक था, क्योंकि पहली ही सीढ़ी अगर गलत चढ़ी जाएगी, ठीक से नहीं समझी जाएगी, पहले ही पाठ यदि ठीक से नहीं भीतर उतरेगा, तो जो आगे का पाठ्यक्रम है उसमें कठिनाई होगी। अब दूसरी तिथि पर आते हैं। द्विज, अब कहते हैं द्विज, प्रथमा तो हो गई, अब द्वितीय आ गई, दूसरी तारीख। द्विज द्वैतमति छाणी, कहते दूसरी तिथि पे क्या लिखा है कि जो द्वैत बुद्धि है, भेद बुद्धि है, इसे छोड़ दो। जो दो की बुद्धि है, दो की बुद्धि कैसे, जो जीवात्मा को अलग समझती है परमात्मा को अलग। द्वैत क्या है कि जीवात्मा का यह समझना कि मैं परमात्मा से अलग हूँ, यह द्वैत है। बूंद का यह समझना कि मैं सागर से अलग हूँ, बूंद अपना पृथक अस्तित्व जब मानती है, स्वतंत्र अस्तित्व मानती है कि मैं तो अलग हूँ, मैं सागर का हिस्सा थोड़ी ना हूँ, मुझे सागर से क्या लेना देना, मैं तो बूंद हूँ। बूंद की अलग पहचान है, एक अलग आईडी है उसकी, उसका नाम है, उसका डेजिग्नेशन है, पद है, मकान नंबर है, वो बूंद कहाँ रहती है, उसने कौन कौन सी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं, कौन कौन से स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हैं, सब उसकी नेम प्लेट पर लिखा है, वो बूंद है। बूंद अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी अलग घोषित करती है, कहती है सागर से मेरा कोई लेना देना नहीं। इसे द्वैत कहते हैं, द्वी भेद बुद्धि। तुलसीदास जी कह रहे हैं दूसरी तारीख से यही समझ लो भैया कि ये जो द्वैत बुद्धि है ना, इसे छोड़ना है। द्वैत मति छाड़, चर ही मही मंडल धीर, और इस धरती के मंडल पर, इस पूरी धरती पर फिर धैर्य पूर्वक घूमो, सारी धरती फिर तुम्हारी हो जाएगी। जब द्वैत ही नहीं रहेगा, तेरा मेरा ही समाप्त हो जाएगा, तब तो पूरी धरती पर आप धैर्य पूर्वक डोल सकते हैं, फिर अधीर नहीं होंगे। अधीर तो तभी होते हैं ना जब दूसरे का देखते हैं। पहली बार जब मेरी पत्नी मुझसे मिली विवाह से पहले, तो हम बाहर घूमने गए, यूं ही सड़कों पर जैसे घूमते हैं, तो मैं जगह जगह पर नमस्कार करूं थोड़ा थोड़ा रुक कर, तो कहने लगी कि कोई मंदिर तो दिखाई दे नहीं रहा, आप नमस्कार किसे कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो इस घर के बाहर कितनी बढ़िया कार खड़ी है, मैं इसे नमस्कार कर रहा हूँ, और ये जो कोठी है, मैं इस कोठी को नमस्कार कर रहा हूँ, और इस कोठी से जो रहने वाला बाहर आदमी निकल रहा है, मैं इसे नमस्कार कर रहा हूँ। तो बड़ी हैरान हुई, कहती मंदिर कोई दिखता तो मैं समझती भी कि नमस्कार कर रहे हैं, इनको नमस्कार करने का क्या लाभ। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि ये सब मुझे ही दिया हुआ है परमात्मा ने, ऐसी एक रूपता जान पड़ती है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये जो व्यक्ति जिसको परमात्मा ने इतनी बड़ी कोठी दी, इतनी बड़ी बड़ी कारें दी, निश्चित रूप से ये राम जी का कितना प्रिय है, कि राम इसे कितने संभाल कर रख रहे हैं, हाथों में रखा हुआ है, देखो राम ने इसे, और जिसे राम ने इतना हाथों में रखा हुआ है, लाड से रखा हुआ है, जितना लाड लड़ा रहे हैं जिसका राम जी, उसे नमस्कार करना तो बनता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि अरे राम कोई लाडवाड नहीं लड़ा रहे, एक नंबर का चोर है, बेईमान है, करप्ट आदमी है। मैंने कहा ठीक है, वह राम जी से इस माध्यम से ले रहा है, ये राम जी जाने, ये उसके और राम जी के बीच की बात है, लेकिन उसकी समृद्धि को देखकर मैं उससे द्वेष क्यों करूं, जलूं क्यों। तो मेरे मन में तो उस समय से भी इतना भाव आता था, किसी को भी मैं समृद्ध देखता था, आगे बढ़ता देखता था, तो लगता था मैं ही तो बढ़ रहा हूं, और कोई तो बढ़ ही नहीं रहा, और मैं वो सुख पा लेता था।
अगर वो आलीशान कार की गद्देदार सीट पर बैठा है, बैठता वो था सुख का अनुभव मैं कर लेता था। ऐसी तादात्म्यता, ऐसी तारतम्यता, ऐसा जुड़ाव, तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि कभी कोई आकर्षण नहीं जगा। फिर लगता था वो सारे सुख तो मैं पा ही रहा हूँ, सारे सुख। अगर साधारण सी सरकारी बस में भी बैठा हूँ तो आंख बंद करके पास से गुजरती हुई गाड़ी को मान लेता था कि मैं अब इस गाड़ी में बैठा हूँ। और सारा बात तो मानने का ही है ना खेल, और वही सुख मैं पाता था। तो एक तांगे में भी बैठकर मैं हवाई जहाज़ का सुख पा लेता था। ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, नीचे तांगे में बैठा हूँ, बस तांगे को हवाई जहाज मान लेता था, और क्या सुख मिलता था। तो जैसे ही हम अपनी सोच को प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाते हैं तो वही सुख पा लेते हैं। कोई 5 स्टार के खाने में सुख नहीं होता कि जो आप सोचे कि सूखी रोटी में नहीं होता, भूख होनी चाहिए। अगर भूख है तो सूखी रोटी नमक वाली, वह सूखी रोटी भी 56 भोगों से अधिक स्वादिष्ट लगती है यदि भूख है तो। और भूख नहीं है तो 5 स्टार का खाना भी आप 1-2 टुकड़ा खाकर झूठा छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं अच्छा नहीं है। भोजन न कभी अच्छा होता है न कभी बुरा होता है, प्रश्न है भूख का, भूख है या नहीं है। भूख है तो आदमी पेड़ के पत्ते भी बहुत चाव से खाता है, बहुत चाव से। तो ये द्वितीय वाली बात सबको समझ में आ गई होगी कि द्वैत बुद्धि छोड़नी है। तीज, अब तृतीय पर आ गई। तृतीय कैसी है? त्रिगण पर परम पुरुष श्री रमन मुकन, गुरु स्वभाव त्यागे बिन दुर्लभ परमानंद। कहते हैं वो जो लक्ष्मीपति हैं प्रभु, वो जो मुकुंदानंद हैं, वे तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से, सत रजतम, वे त्रिगुणातीत हैं। तो तृतीय पर क्या बता रहे हैं, क्या लिख दिया इन्होंने उस पंचांग में, तीसरी तिथि पर लिख दिया है कि वे श्री हरि लक्ष्मीपति, वे मुकुंदानंद, वे त्रिगुणातीत हैं, सत रजतम, तीनों गुणों से पार हैं। तो जीव तुझे भी इनसे पार जाना होगा, क्योंकि ये तेरी एक योग्यता होगी, क्वालिफिकेशन होगी अगर उनसे मिलना है तो। गुण स्वभाव त्यागे बिन, ये जो गुण हैं, ये जो त्रिगुणात्मक स्वभाव हैं, इनको त्यागे बिन दुर्लभ परमानंद, वे जो परमानंद हैं, आनंद का स्वरूप हैं, वे दुर्लभ हो जाएंगे तेरे लिए, नहीं मिलेंगे जब तक इन तीनों गुणों के चक्कर में तो घूमता रहेगा ना, इनको नहीं त्यागेगा अपने मन से, तब तक तुझे वे प्राप्त नहीं हो सकते। अब तीनों गुणों को त्यागा जा ही नहीं सकता, ये समझ लीजिए आप। तो फिर तुलसीदास जी त्यागने की बात क्यों कर रहे हैं, है ना बड़ी बात। ये तीनों गुणों को त्यागा नहीं जा सकता और ये कह रहे हैं तीनों गुणों को त्याग दो। ये तो वही बात हुई कि एक सरकारी दफ्तर पर लिखा था बाहर दरवाजे पर, बिना आज्ञा अंदर आना मना है। और फिर नीचे एक और नोट लिखा था कि अंदर आने की आज्ञा अंदर से ही मिलेगी, अंदर जाकर। पहले बाहर लिख दिया है बिना आज्ञा अंदर आना मना है, और अंदर आने की आज्ञा अंदर से जाकर मिलेगी, चले जाओ कैसे जाओगे। यही बात यहां ये कह रहे हैं, तीनों गुणों को त्याग दो। और लेकिन तीनों गुण तो त्यागे नहीं जा सकते, अब इसे समझिए कब त्यागे जा सकते हैं तीनों गुण। तीनों गुण समाधि की अवस्था में नहीं रहते, जिसे अंग्रेजी में ट्रांस कहते हैं। ट्रांस की स्टेज में जब
इंसान चला जाता है समाधि में जब चला जाता है, यानी ध्यान की गहरी अवस्था में। तो जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए, तब आप त्रिगुणातीत हो जाते हैं। और ध्यान की गहरी अवस्था में जाना, ये तो तभी संभव हो सकता है कि जब आपके भीतर से जो पहली और दूसरी तारीख है वो एप्लीकेबल हो चुकी हो, वो लागू हो चुकी हो, आपके हृदय में प्रेम आ गया हो और ये द्वि समाप्त हो गई हो, भेद बुद्धि, तब समाधि में प्रवेश मिलता है। तो तब इन तीनों गुणों से पार जाया जा सकता है। जो तृतीय सोपान है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेयर, उस पर आप तभी तो चढ़ सकते हैं जब पहली दूसरी को कर लेंगे। पहली दूसरी को लांघने के बाद ही तीसरी पर जाया जा सकता है। और तीसरी ये खड़ी है, तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसीदास कि जब तक इन तीनों गुणों से पार नहीं जाओगे। तो इसलिए ध्यान की महिमा बताई गई है। पूजा और ध्यान में बहुत अंतर है, ये हम बता चुके हैं एक स्थान पर भी। ध्यान समाधि में ले जाता है, पूजा भाव को जगाती है। तो ध्यान में जाना, किंतु उससे पहले प्रेम और द्वि को मिटाना होगा। आप चौथी तिथि पर चलते हैं। चौथ चार परिहर हूं बुद्धि मन चित अहंकार, विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। कहते हैं चौथी तारीख समझ लो, परिहर हूं छोड़ दो किसे, बुद्धि मन चित अहंकार, अंतःकरण के उस स्थान से इन सारी चीजों को बाहर निकाल दो, इन सारी चीजों को। ये जो बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, ये जो सारी चीजें हैं, इन्हें निकाल दो। अब इनको निकाल दोगे तब बचेगा क्या? क्या बचेगा तब? कुछ भी नहीं बचेगा। और ये कहते हैं जब तक इन्हें नहीं निकालोगे तब तक विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुद्धि मन चित्त अहंकार जब इनको आप निकाल कर बाहर कर देंगे, परिहर हूं त्याग कर देंगे, तब आपके भीतर विमल विवेक का आविर्भाव होगा, उदय होगा। और उसके उदय होने से क्या होगा? निज सुख सहज उदार। वे जो सहज सुख के जो पूंजीभूत रूप हैं श्री हरि, वे जो उदार हैं, वे तब तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे जब इन चारों चीजों को निकाल दोगे। अब ये निकाली नहीं जा सकती बिल्कुल भी, ये समझ लीजिए। इस निकालने का अर्थ समझना होगा कि बुद्धि मन चित्त अहंकार इनको निकाल दो, इसका अर्थ है कि इनको शुद्ध रूप में अवस्थित कर लो। मन चित्त अहंकार ये सब शुद्ध हो जाए। अब अहंकार शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध अहंकार भी होता है, एक ऐसा अहंकार जो सिर्फ एक अभिनय के लिए किया जाता है। अहंकार कुछ होता नहीं, वो अभिनय। जैसे एक अभिनेता कोई अभिनय कर रहा है, तो उस अभिनय को वो तभी तक कर रहा है जब तक उसकी थोड़ी बहुत आवश्यकता है, तभी तक, उसके बाद वो उसे ढोता थोड़ी ना है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबको यदि हम शुद्ध कर लेंगे तो वो त्यागने जैसी यात्रा है। मलिन बुद्धि रखने योग्य नहीं है, पवित्र बुद्धि रखने योग्य है। मलिन पापपूर्ण मन रखने योग्य नहीं है। मन को कैसे त्यागेंगे? मन तो त्यागा ही नहीं जा सकता। तब तक नहीं मन नष्ट हो सकता जब तक राम जी के सम्मुख ना चला जाए। फिर मन अमन हो जाता है, मन नहीं रहता, वो अमन ही दशा में चला जाता है। आपने सुना होगा ना एक शब्द, अमन। नाम होते हैं बहुत सारे बच्चों के अमन, और अमन शांति को भी कहते हैं कि भैया अमन चैन कायम रखो। तो ये अमन क्या है? अमन क्या है? मन का ना होना, अमनी दशा, कि जब मन ही नहीं रहता। और वह तब होता है जब हम प्रभु में समा जाते हैं, तब नहीं रहता, उससे पहले रहता है। तो जब तक ये रहता है तब तक इसको शुद्ध रूप में रखना है, शुद्ध रूप में। तो इन सब को त्यागने का अर्थ यही है कि अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब को शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध का मतलब ये किसी के लिए ये हानिकारक ना हो, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का अहित ना करें, सर्व मंगल की कामना रखें। तो आज हम केवल
चार तारीख तक ही बढ़ पाए हैं। देख लीजिए आप, ये कैलेंडर की तिथियां, ये पंचांग इतनी जल्दी नहीं बदले जा सकते। तो ये जो चार तिथियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस चतुर्थी तक ही थोड़ा सा पचा लें तो बहुत अच्छा है। तो जितनी भी बातें आज ये बताई गई, अब इनकी जुगाली करें, इनका मनन करें और सोचें कि आप कौन कौन सी तिथियां चढ़ पाए हैं, कौन कौन सी। अब अगली तिथि पर जो पंचमी आएगी उस पर कल चलेंगे। जल्दी कोई नहीं है, समझकर धीरे धीरे चलना है और चलना है, चलना है, समझ रहे होंगे ना, चलना, उतारना जीवन में। क्योंकि ये भक्ति, पूजा पाठ, ये सब भी ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले ये जो शुद्धिकरण की कक्षा हो रही है अभी, ये बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी में कहें तो काउंसलिंग क्लास, कोई इसे प्रवचन भी कह सकता है, कोई व्याख्यान भी कहता है। तो ये जो शुद्धिकरण का इस समय यहाँ व्याख्यान चल रहा है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके आने के बाद ही मन पूजा या भक्ति में टिकेगा। तो शेष फिर आज हम यहीं रोकते हैं। कपि से उरी ना